हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं कि जो हमारा रियलमी 12 5G फ़ोन है, तो रियलमी 12 5G फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर कैसे अपने फ़ोन में अलार्म्स वगैरह को बंद कैसे कर सकते हैं और ऑफ़ कैसे कर सकते हैं अलार्म्स को अपने रियलमी 12 5G फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर, और अलार्म्स को कैसे बंद कर पाएंगे रियलमी फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर, तो आज हम बताने वाले हैं कि अलार्म्स को बंद कैसे कर सकते हैं और कैसे ऑफ़ कर सकते हैं रियलमी फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। आइकन शो हो रहे हैं तो आपको स्वाइप करना है, स्वाइप करते ही ऑल आइकन ओपन हो जाएंगे, जिसमें से आप देख सकते हैं कि आपके पास ऑप्शन आता है सेटिंग्स का। सेटिंग्स पे जाकर अलार्म्स को बंद कर सकते हैं। सिंपली साउंड एंड वाइब्रेशंस पे जाना है, साउंड एंड वाइब्रेशंस पे जाकर अपने फ़ोन में अलार्म्स को बंद कर पाएंगे। देख सकते हैं कि अलार्म्स को बंद कर सकते हैं और ऑफ़ कर सकते हैं अपने फ़ोन में। सिंपली इस तरीके से म्यूट कर सकते हैं अलार्म को, यहाँ पर जाकर अलार्म साउंड को भी ऑफ़ कर सकते हैं, नहीं तो बैक करना है। बैक करते हुए आपको ऑप्शन मिल जाएगा क्लॉक अलार्म सेटिंग्स का, तो क्लॉक अलार्म को भी बंद कर सकते हैं। सिंपली आपको क्लॉक सेटिंग्स पे जाना है, क्लॉक आइकन्स पे जाकर भी अलार्म्स को आप बंद कर पाएंगे और ऑफ़ कर सकते हैं। देख सकते हैं कि आप अलार्म को इस तरीके से ऑफ़ कर सकते हैं, अलार्म आपके फ़ोन में बंद हो जाएगा, कोई भी टाइमिंग आपके अलार्म पे शो नहीं करेगा। तो इस तरीके से भी अलार्म्स को आप बंद कर सकते हैं फ़ोन में, अलार्म को भी बंद कर सकते हैं। तो आपको वीडियो और साथ में ही देख सकते हैं किसी भी अलार्म टाइमिंग को डिलीट भी कर सकते हैं और हटा सकते हैं अपने फ़ोन में, और सेट करना चाहें तो यहाँ से आप कोई भी टाइमिंग लगा के इस तरीके से अलार्म को लगा सकते हैं और सेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से अलार्म को भी लगा सकते हैं, ऑफ भी कर सकते हैं। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करें, वीडियोज़ को शेयर करें।